हाय दोस्तों, वेलकम टू माय जेबीरस ब्लॉग। डंथलन फल का तरफ आने से दो ब्रिज मिलेगा। हम पहला और ब्रिज पर है। नीचे तरफ जरा हूँ, देखता है इधर ही मछली मिलता कि नहीं। इतना बड़ा बड़ा झरना है, पता नहीं पानी कहाँ से आता है। इधर बड़ा बड़ा पहाड़ है, पहाड़ से नीचे से पानी आता है। इधर बारिश का मौसम नहीं है, इसलिए पानी पूरा तरह से सूख गया है। लेकिन बारिश का मौसम में आने से बहुत देखने में तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का झरना का पानी है ना, बहुत क्लीन है, पीने के लिए दिल कर रहा है। और थोड़ा सा भी आयरन नहीं है। इधर कोई भी आदमी एक हफ्ता जैसा नहाएगा ना, उसका रंग चेंज हो जाएगा। बहुत चसापा पानी है। दूर में जो ब्रिज दिखाई जा रहा है ना, जरा है हम उधर जो ब्रिज के ऊपर हम खड़ा है ना, वो ब्रिज सौ से ऊपर होगा। जो नदी का बीच में ब्रिज का जैसा दिखाई जा रहा है ना, वो ब्रिज नहीं है, वो पानी का पाइपलाइन है। मेघालय में बिल्कुल पहाड़ी एरिया है ना, इसलिए मेघालय का आदमी जस्ती पीएसी का पानी इस्तेमाल करता है। आगे हम ब्रिज के नीचे देखते हैं मछली मिलता कि उधर। जब हम खड़ा हो ना, बारिश का मौसम में देखने से डर लगता है, इतना स्पीड में पानी भागता है जो जून जुलाई महीने में। लेकिन ब्रिज के नीचे तक पानी होता है, लेकिन अभी बारिश का मौसम नहीं है इसलिए। चलिए हम और आगे चलते हैं, देखते हैं और आगे क्या है। देखिए ना, पत्थर का नीचे बड़ा बड़ा पत्थर है। ये बड़ा बड़ा पत्थर, पानी सूख गया है, पानी सूख गया है, पानी नहीं, नीचे पानी, बाप रे बाप। देखो ना, पानी इतना नीचा है, इतना नीचे तक आ गया, सूख गया है। इधर क्या चेकता है, देखो पानी तक जा रहा हूँ, अभी इतना नीचे तक आ गया, अभी पानी मिल गया। इतना बड़ा बड़ा पत्थर, इतना बड़ा बड़ा गैप, बारिश के मौसम में इधर आने तो मुश्किल ही था। बहुत पानी होता था, इधर पूरा भर जाता था बारिश का पानी। डेंथलिंग फॉल्स की तरफ जा रहा हूँ मैं, और अभी एक तो छोटा सा ब्रिज मिल गया। तो वो दिखाई जा रहा है ना दोस्तों, वो दिखाई जा रहा है ना, अभी लगभग पानी सूख गया है, इसलिए पानी सूखाने वजह से अभी पानी का फॉल्स इतना नहीं मिलेगा। जब बारिश का मौसम जून जुलाई महीने आएगा, तब तो अच्छा से बारिश आएगा। अगर देखते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। तो अभी टूरिस्ट का सीजन नहीं है, आदमी लोग घूमने के लिए घूमती आता है। अभी सुमसम है, आदमी घूमती है, लेकिन जगह मस्त है घूमने के लिए। कोई कोई आया है पिकनिक खाने के लिए, देखिए पिकनिक खाने के लिए कोई आया है, कोई नहाने के लिए आया है पिकनिक। हम अभी आ गया डंथलन फॉल में। जो लोहा का पाइप देखे जा रहा है, वो बाउंड्री दिया है, घिरा हुआ है, जैसे कोई आदमी यहाँ से ना उस तरफ गिर ना जाए। लेकिन उस तरफ लगभग 50 मीटर गड्ढा होगा। इधर कोई कोई लोग पिकनिक खाने आया, तो पिकनिक खाना हो गया, घर तक कल तक रहना हो रहा है। तो हम लोग आज चलते हैं वो व्यू दिखाने के लिए। Thank you.
इतना सुंदर से पानी आ रहा है, लेकिन इधर बहुत अच्छा लगता है। अगर पानी वो जो देखा जा रहा है ना, वो चेरापूंजी का डैनकलन फॉल्स, लेकिन अभी बारिश कमती है इसलिए फॉल्स पानी कमती है, इसलिए जस्ती पानी फॉल्स अच्छा से दिखाई नहीं जा रहा है। जब बारिश जस्ती होगा तब बहुत बड़ा पानी का पानी आता है, लेकिन देखने के लिए बहुत सुंदर लगता है। लगभग इधर से कम नीचे तक 50 मीटर होगा गड्ढा, अगर ये 50 मीटर गड्ढा है, लेकिन इधर घूमने के लिए बहुत ठंडा पानी से मुँह खुले करके देखता है। पानी बहुत फ्रेश है, धुले करने का बहुत अच्छा लग रहा है। पानी ठंडा है, फ्रेश है, बहुत बिल्कुल क्लीन है। पूरा ये पत्थर का पानी है ना, पूरा इसमें क्लीन है। ये सब एरिया जगह दिखाई दे रहा है, सब पत्थर का है, कोई भी माटी नहीं मिलेगा।